नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रविंदर जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानती हैं और बीइंग गर्ल ये कैसा महसूस करती हैं आश्रम में। नमस्कार रविंदर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? 6-7 साल से हम जुड़े हुए हैं डेरा के साथ। कैसा महसूस करते हो आप रविंदर जी? यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं, हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन प्लस टू पास। मतलब एक बीइंग गर्ल क्या कहना चाहोगे, मतलब बिल्कुल सेफ महसूस करते हो आश्रम में? हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाहर का माहौल जैसे ख़राब है, यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मैं यहाँ से खुद यहाँ से मैंने प्लस टू क्लियर किया और अभी मैंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया है। यहीं के स्कूल कॉलेज में? हाँ जी। मैम, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था यहाँ के स्कूल कॉलेज को लेकर, आश्रम को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया में बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है जो भी है। अगर आप खुद जाके देखो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा। वहाँ पे सभी ठीक है, सब माहौल अच्छा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं समझ चुके हैं, आरोप बिल्कुल गलत है। अगर वो खुद आप एक बार आपको पूरी जांच पड़ताल करे तभी आप कुछ बोले उनके बारे में। आपको क्या लगता है संत जी का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है? नेचर उनका बहुत अच्छा है। वो जैसे एक बाप अपनी बेटी के साथ बिहेवियर करता है, उनका बिल्कुल उससे बढ़कर नेचर है। वो हर एक के लिए अपने माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर है। उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम? समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सफाई अभियान चलाए हैं और उनके वचनों पे चल के सभी ऐसे काम करते हैं जैसे उनके। क्या ज़रूरत है संत जी की समाज को? जी बिल्कुल ज़रूरत है। क्या अपील करोगे सरकार से, क्या मांग करोगे? हम सरकार से अपील करेंगे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जो भाजपा धन्यवाद लगातार जो लड़कियां यहां पर स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं और आश्रम में आती हैं, वो अपील कर रही हैं कि संत जी समाज में आने चाहिए। जो आरोप लगाए गए हैं संत जी के ऊपर, इनका मानना है कि सब झूठे लगाए जा रहे हैं। आप भी सोचिए आपके क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत पता